हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का ये एग्जांपल देखेंगे। हेयर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। तो हम इसमें आज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या है इस एग्जाम्पल में। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग। तो जो कोई भी मूविंग व्हीकल है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उस मूविंग व्हीकल पर रोकने के लिए, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्टॉप होने से पहले, तो व्हीकल स्टॉप होने से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किए वो वहीं की वहीं रुक गया, लेकिन रुकने से पहले वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है रुकने से पहले, जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किए और ब्रेक अप्लाई करने के बाद थोड़ा आगे जाके हम रुके, ठीक है, जो व्हीकल है थोड़ा आगे जाके रुका, तो ब्रेक अप्लाई जैसे ही किए वहीं से जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया बिफोर स्टॉपिंग, उसी को कहते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जल्दी से जल्दी उसको रुकना चाहिए। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करें, हम तो चाहते हैं ब्रेक अप्लाई करें और स्टॉपिंग डिस्टेंस जीरो, वहीं की वहीं ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो रोड सेफ्टी के लिए बेटर रहेगा। तो एक्सीडेंट, अचानक से कोई इमरजेंसी आती है तो वो ऑब्जेक्ट या व्हीकल है वहीं की वहीं रुक जाएगा। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी। तो ये रोड सेफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। और ये डिपेंड करता है व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मीन्स जब वो मूव कर रहा था उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, वो जो इनिशियल स्पीड होगी वो ज़्यादा थी या कम थी, उस पर डिपेंड करेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। बहुत तेज़ी से चल रहा है व्हीकल और अचानक से हमको ब्रेक लगानी पड़े तो बहुत आगे जाके रुकेगा, लेकिन वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है व्हीकल, वो अगर कम हुई तो वो जल्दी रुक जाएगा। सिंपल सी बात है ये, तो उसी पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा इसकी बात हम करेंगे अभी। एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो जो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो ये फैक्टर जो है एक तो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है वी नॉट पर, और एक ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसी है उस व्हीकल की, मीन्स हमने जो ब्रेक अप्लाई किए हैं वो किस वो रिएक्शन टाइम क्या रहा है हमारा अप्लाई करने का। जैसे ही हमें ज़रूरत महसूस हुई वैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किए, वो क्या है ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बाइक या फिर गाड़ी, जो भी व्हीकल है उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है पूरा, है ना, वो कितना अच्छा है, कंट्रोलिंग सिस्टम कितना अच्छा है उसका, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, जिसे हम डेसीलरेशन भी कहेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन मीन्स एक्सीलरेट करना, डेसीलरेशन मीन्स रोकना, ब्रेक लगाना, वो डेसीलरेशन में आता है, जिसको हम -A कहते हैं। दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग, ओके, जो कि ब्रेक की वजह से कॉज होता है। इसका कॉज क्या होता है, ब्रेकिंग। डेसीलरेशन का कॉज क्या होता है, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाने से प्रोड्यूस होता है डेसीलरेशन। ओके, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हमको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ऑफ ए व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। तो वी नॉट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट वो, और डेसीलरेशन माइनस ए जो है, इन सब में हमको एक रिलेशन यहाँ पर ड्राइव करना है। देखते हैं कैसे रहता है इसका सॉल्यूशन। सिंपल सी बात देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल है और वो व्हीकल ए कुछ इस तरह से इस रोड पर चल रहा है। ओके, सपोज दैट उसको ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत महसूस होती है उसको यहीं पर कि हमको ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगाने के बाद उसने इतना डिस्टेंस मान लीजिए ट्रैवल कर लिया, इतना डिस्टेंस उसने फिर भी ट्रैवल कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये डिस्टेंस उसने फिर भी ट्रैवल कर लिया, यहाँ उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए इस पॉइंट पर, तो जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उसको हम कहेंगे यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज दिस इज डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस डी एस, ये जो डिस्टेंस है ब्रेक लगाने, यहाँ से ब्रेक अप्लाई किए और यहाँ आके वो रुका ऑब्जेक्ट। ओके, इस टाइम जब ये मूव कर रहा था इस पूरे ट्रैक पर, इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो थी वी नॉट। जब ब्रेक अप्लाई कर रहे थे हम, उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी वी नॉट, और फाइनली जाके यहाँ पर ये रुक गया, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई इसकी ज़ीरो। ओके, सिंपल। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये कितनी है ना, और जो डेसीलरेशन है वो माइनस ए है। तो सिंपल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है लीनियर मोशन के लिए, यहाँ देखिए हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और डिस्टेंस मीन्स पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, है ना, पोजीशन है
और हमारे पास क्या है वेलोसिटी। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हमको चाहिए, वो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आप जानते हैं इसको जनरली वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इससे आप इसे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना। सिंपल हम यहाँ इसको पुट करें तो आप कैसे लगाएंगे इस चीज़ को, यहाँ देखिए वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, दिस इज ज़ीरो, तो ज़ीरो का स्क्वायर ओके इक्वल्स टू, वैसे जनरली एनसीईआरटी में ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर नॉट वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस जो भी डिस्टेंस है वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम ऑब्जर्वर से भी लेके चलते हैं, इसको एक्स और एक्स माइनस एक्स नॉट करके भी चलते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल डिस्टेंस की बात कर ले रहे हैं तो डी एस कह देंगे इसको हम। सो दिस इज ज़ीरो और यू क्या है सिंपल इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी नॉट, ओके वी नॉट ही है स्क्वायर प्लस टू ए, ए क्या है एक्सीलरेशन उसका, ठीक है किस एक्सीलरेशन से वो चल रही थी, ठीक है यहाँ वो डेसीलरेशन हो जाएगा इस रीजन में माइनस ए जो होता है, ठीक है। यहाँ एस जो है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दिस इज डी एस जो हम लेके चल रहे हैं, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया स्मॉल, ये सफिक्स है डी एस जो है डी के साथ, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ओके। ए यहाँ पर जो है जो निकल के आएगा फाइनल एक्सप्रेशन में वो अपने आप शो करेगा कि डेसीलरेशन किस तरह से है, ठीक है। तो जो डेसीलरेशन है इस रीजन में जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते गए ये डेसीलरेट है, एक्सीलरेट देते हैं गाड़ी में वो एक्सीलरेशन है, डेसीलरेट में ब्रेक लगाते जाते हैं वो किस हिसाब से उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, फाइनली ज़ीरो हो गई, ठीक है। वी नॉट सी वी नॉट थी वी नॉट से ज़ीरो हो गई वेलोसिटी, तो कितने वेलोसिटी जो डाउन हुई है वो किस हिसाब से डाउन हुई है, ठीक है किस रेट से डाउन हुई है वो चीज़ है डेसीलरेशन। तो यहाँ पर ज़ीरो और ये वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए डी एस स्टॉपिंग डिस्टेंस, यही हमको यहाँ निकालनी है, तो ये हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू ए डी एस। तो डी एस जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस ओके स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो यही हमको निकालनी है डी एस कितना हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस टू ए, ये माइनस जो साइन शो कर रहा है यही है डेसीलरेशन ओके माइनस एक यहाँ पे लगा लेंगे माइनस है टू को इधर कर देंगे, इस माइनस को आप यहाँ भी लगाएंगे सिंपल यहाँ लगा के चलेंगे हम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ओके। अब यहाँ पर ये कहते हैं ठीक है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है वी नॉट स्क्वायर पर, मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ओके डिपेंड कर रहा है सिंपल, एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी और डेसीलरेशन, और डेसीलरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डेसीलरेशन होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस उतनी ही कम रहेगी उस ऑब्जेक्ट की, जितना अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होगा उतना ही स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगी, और जितना इनिशियल वेलोसिटी कम होगी डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस उतनी ही कम होगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जितनी ही कम है रोड सेफ्टी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रोड सेफ्टी उतनी ही अच्छी रहेगी जब स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगी, तो कब होगी कम जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो और डेसीलरेशन ज़्यादा हो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी कम होगी, ये किस पर डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पर और डेसीलरेशन ए पर, माइनस ए जो है ठीक है माइनस साइन ये आ ही रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दें डबल कर दें तो उसका स्क्वायर फोर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया टू वी नॉट कर दिया तो ये हो जाएगी फोर वी नॉट स्क्वायर, मीन्स पहले का फोर टाइम्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कार है वो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चल रही है और उसकी स्पीड को हमने 80 किलोमीटर पर आर कर दिया, 80 किलोमीटर पर आर 40 से 80 कर दिया हमने उसकी स्पीड, जब वो 40 पर चल रही थी कार तब उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं कि उस टाइम उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस थी 10 मीटर चल के वो रुक पा रही है, मींस ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसकी 40 किलोमीटर पर जब चल रही थी ओके, और हमने उसकी स्पीड को बढ़ा के 80 कर दिया, अब हमारी कार 80 पे चल रहा है हमारा व्हीकल ओके, तो उस टाइम जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, मींस अब 40 मीटर चल के रुकेगी, कितना डेंजरस है।
अगर हमारा व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है तो वो 10 मीटर चल के ही रुक जाएगा जब हम ब्रेकिंग कैपेसिटी लगाएंगे उसी व्हीकल पे। अगर हमने स्पीड उसकी 80 किलोमीटर पर आवर कर रखी है तो अगर हमको इमरजेंसी ब्रेक लगाने हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो 40 मीटर चलेगी, मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना, बाई द फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के बढ़ने से स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ओके तो इसीलिए हमको उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो कार का या व्हीकल का जो भी है कम से कम रखना चाहिए। ओके सो दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके तो रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, कम से कम होनी चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।